हाँ बोलो। मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह है व्यवहारवाद मूल्यों का विरोध करता है और राजनीति विज्ञान में तथ्यात्मक अध्ययन को बल देता है। विशेष रूप से राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहता है। हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के द्वितीय शतक से मानी जाती है। इसमें विशेष योगदान अमेरिका के शिकागो स्कूल के राजनीति विज्ञान के विद्वानों का है, जिनमें चार्ल्स मेरियम इसके शुरुआती बौद्धिक पिता माना जाते हैं। व्यवहारवाद मानप्रक अध्ययन को के बजाय तथ्यात्मक और अनुमूलक अध्ययन पर बल देता है। अमेरिकन राजनीतिक विज्ञान डेविड ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं बताई है, जिनमें हम देखते हैं कि ईस्टर्न ने बताया कि राजनीति विज्ञान के अंदर को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञानी बनाया जाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर बल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद जो परंपरावाद का एक विरोधी विचारधारा या आंदोलन कह सकते हैं, और व्यवहारवाद ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक नया रूप दिया, जिसके साथ ही आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान को नकारते हुए एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत करता है, जो यूरोपीय दर्शन के बजाय या यूरोपीय अध्ययन से एक अलग अध्ययन है और अमेरिकन विद्वानों ने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की।